खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नरसिंहपुर, वरिष्ठ समाज सेवी पंडित मुकेश कटारे ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के विदेश से वापसी होने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर किया स्वागत। युगांडा की राजधानी कंपाला की विदेश यात्रा से लौटने पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का स्वागत वरिष्ठ समाज सेवी पंडित मुकेश कटारे ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष के दिल्ली से जबलपुर वापसी पर जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत पंडित मुकेश कटारे की अगुवाई में हुआ। इस अवसर पर पैन एग्रो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर निधीश मिश्रा ने भी जबलपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि श्री प्रजापति युवाओं के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा स्रोत हैं। पंडित मुकेश कटारे के साथ जबलपुर एयरपोर्ट पर पीयूष दुबे, अमित वासानी, परमेश अग्निहोत्री सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आप नरसिंहपुर के वरिष्ठ समाज से भी पंडित मुकेश कटारे जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष योगांडा से वापस आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको आप लेने के लिए पहुंचे, ऐसी क्या वजह थी जो आप वहां स्वागत करने के लिए उनका गए? नेवा जी, पहले तो वो हमारे मित्र हैं, श्री विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद जी प्रजापति, और उन्होंने युगांडा की राजधानी कलामा में जो 3 दिन की जो 50 देशों की जो राष्ट्र से विधानसभा अध्यक्ष लोग आए थे, उनको 3 दिन उन्होंने रेगुलर स्पीच दी और अपने यहाँ के लोकतंत्र के बारे में समझाया, उससे प्रभावित होकर मैं भैया को बधाई देने के लिए दिल्ली आया हूँ। और यहाँ विकास कार्य वगैरह के संबंध में क्या स्थिति? प्रजापति जी से अच्छा तो कोई नेता हो नहीं सकता। प्रजापति जी ने हमारे ज़िले के लिए जो विकास कार्य किए हैं, जब वो ऊर्जा मंत्री थे तो नरसिंहपुर ज़िले में आज भी बिजली की सप्लाई में या बिजली के मामले में कहीं से कोई कमी नहीं है, और जब से प्रजापति जी अध्यक्ष बने हैं तो नरसिंहपुर ज़िले में एक विकास की धारा बह रही है। अभी उनने हॉकी स्टेडियम के लिए स्वीकृति दिए, काफ़ी पैसा दिया है। अभी नरसिंहपुर ज़िले में आपका जनपद मैदान में शीघ्र से शीघ्र एक बाजार कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, उसमें कमलनाथ जी आ रहे हैं, और गोटेगांव के लिए तो उनके इतने काम हैं कि हम लोग सुनीबंधा क्षेत्र में मेरी ज़मीन है, तो उस आदिवासी बेल्ट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रजापति जी ने क्या काम किया है। प्रजापति जी के काम इतने हैं कि हमारे यहाँ की जनता उनके कामों से उनकी ऋणी है। उनके विकास के काम आप कभी समय निकाल के आए देखें तो आपको समझ में आएगा। आप विधानसभा अध्यक्ष को जबलपुर एयरपोर्ट पर उनकी विदेश वापसी पर लेने के लिए पहुंचे, ऐसी क्या आपकी प्रेरणा हुई कि क्यों पहुंचे आप वहां पे, ऐसा क्या लगा आपको? विधानसभा अध्यक्ष श्री एमपी प्रजापति जी के कारण मैंने सुनीबंधा क्षेत्र में एक ड्रिप एरीगेशन का प्रोजेक्ट डाला है, और मेरा पहला बैकग्राउंड स्टडी का था, मैं जॉब किया हूँ 12 साल से। उनने मुझसे बोला कि आप इस क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र पर आइए और ये प्रोजेक्ट डालिए, तो मैं उससे काफ़ी फ़ायदा ले रहा हूँ। साथ में 150-200 वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि उनको जाके वहाँ पर मैं उनका स्वागत करूँ और उनसे और प्रेरणा लूँ। खबर समय जगत के लिए नरसिंहपुर से राजेश नेमाजुनी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।